नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप DSLR कैमरा से फोटोग्राफी करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, DSLR कैमरा से फोटो क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंस लगा लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लेंस कैसे लगाना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसको ये बटन को आप क्लिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों इसको आप जो है इस साइड की ओर दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लेंस खुल गया। फिर व्हाइट कलर जो है दोनों को मैच करना है, यहाँ पे व्हाइट कलर और यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको फिर जो है इस साइड की ओर दबाएंगे, आवाज़ आएगा, एक कट का आवाज़ आएगा, मतलब समझ लीजिए जो है लेंस फिट हो चुका है। अगर आप बिल्कुल नए हैं यानी कि पहली बार आप DSLR हाथ में ले रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो कैमरा ऑन हो चुका है। अब कैमरा ऑन होने के बाद यहाँ पर मोड आ जाता है, बहुत सारा मोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों मैं जो है ऑटो मोड पे रखा हूँ, लेकिन मैं DSLR के बारे में मुझे नॉलेज है काफ़ी अच्छा, तो इसलिए मैं मैनुअल मोड पे हमेशा फ़ोटो शूट करता हूँ या वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। जब आप जो है पूरा ट्रेंड हो जाएंगे DSLR में तो आप भी मैनुअल मोड पे फ़ोटो जो है क्लिक कर सकते हैं, वीडियो भी शूट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप अभी नए हैं तो आपको ऑटो मोड पर रखना है। ऑटो मोड पर रखने से क्या होता है दोस्तों, वो अपर्चर, ISO और शटर स्पीड सब जो है ये ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट कर लेता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो बटन दिख रहा है ये वाला बटन, इससे आप जो है देखिए जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे अभी 1855mm का लेंस है तो आप इसे 18 से लेकर और 55 तक ले आ सकते हैं जूम इन करके। जैसे कि कोई आप जो कोई यानी कि कोई भी जिस चीज़ का फोटो आप लेना चाहते हैं वो ज़्यादा दूर है तो आपको क्या करना है, इसे 55 पे रखना है। देखिए ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अभी अगर आप नज़दीक से लेना चाहते हैं तो आप इसे 18 पे ले आइएगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से इसे क्लिक करके यहाँ पे दबा के रखेंगे, फिर इसको घुमाइएगा तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। और ये जो दिख रहा है मैनुअल और ऑटो, तो इसे जो है दोस्तों आपको फोकस मोड को जो है मैनुअल रखना है। ठीक है, आप ऑटो भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फोटो जो है क्लिक करने के लिए दो मोड यहाँ पर रहता है। एक तो दोस्तों ऐसा मोड जो कि आपको डिस्प्ले पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको शो हो रहा होगा, ये अपर्चर है, शटर स्पीड है, ISO है। ठीक है, ऑटो मोड में है तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब आप इस मोड में रखेंगे तो आप जो है दोस्तों यहाँ पे यानी इस पे देख के जो है फोटो क्लिक कीजिएगा, इसमें आप अपना जो है आँख डालिएगा और ऐसे करके और फिर उसे जो है यहाँ पर देखिएगा फोटो क्लिक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले पे शो हो आप जो भी फोटो क्लिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे लाइव मोड दिया गया है, ये बटन दिया गया है लाइव वाला, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बटन है लाइव वाला। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, ये लाइव वाला को इस साइड ऐसे कर देना है। जैसे दोस्तों आप एक बार करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके आगे रखा रहेगा वो सब जो दोस्तों आपको डिस्प्ले पर शो होने लगेगा। अब दोस्तों फोटो क्लिक करने के लिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये है, ये तो हो गया, ऐसे क्लिक करके आप जूम इन लेंस को कर सकते हैं और जूम आउट, और ये चीज़ जो आगे रहता है लेंस में इससे आप फोकस जो है कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आप जितना बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं उससे जो है ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड जो है इसे ब्लर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे जो है ढेर सारा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इस वजह से फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो ये हम इसको जो है एक आगे रख लेते हैं और इसके बाद हम इसे जो है पहले आपको ये वाला घुमाना है, ये जो दिख रहा है इसे एडजस्ट करना है, और इसे तो आप पहले फिट कर लीजिए, इसके बाद इसे हम एडजस्ट करते हैं और इसको हम फोकस करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको घुमाते पूरा ब्लर हो चुका है। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस कर लिए हैं, फोकस हो चुका है। अब हम दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, ये वाला जो स्टील वाला बटन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फोटो जो है मेरा वो क्लिक हो चुका है। अब दोस्तों लाइव मोड में था, अगर आप फोटो देखना चाहते हैं तो ये वाला बटन जो दिख रहा है वीडियो वाला आइकन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस फोटो को जूम इन करना चाहते हैं तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके आप इसे जूम कर सकते हैं, माइनस वाला आइकन पर क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं, और डिलीट करने के लिए डिलीट वाला आइकन पर क्लिक कीजिए, फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए, ये जो है दोस्तों वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है फोटो जो है बहुत ही आसानी से क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको DSLR के बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि DSLR जो है कैसे चलाना है, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो DSLR में बहुत सारा फीचर्स रहता है, उसके बारे में आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको DSLR के बारे में बहुत सारा नॉलेज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं DSLR आपके पास नहीं भी है, कोई आपके हाथ में DSLR दे देता है, तो आप बहुत ही आसानी से उसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।